लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के दौरान हो सकती है त्वचा से जुड़ी गंभीर समस्याएं, राहत पाने के लिए हमारी ये टिप्स फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महिलाओं में मेनोपॉज जिंदगी का अहम पड़ाव होता है। ये महिलाओं में 45 से 50 की उम्र में शुरू हो सकते हैं। लगातार महिलाओं को एक साल पीरियड नहीं होने पर मेनोपॉज की शुरुआत हो जाती है। ये समय हर महिला के जीवन में खास होता है। इस समय शारीरिक तौर पर कई तरह के बदलाव होते हैं। मेनोपॉज में होने वाले बदलाव स्किन पर भी नजर आते हैं। कई बार मेनोपॉज के शुरुआत में वजन घटता है, स्किन ड्राई हो जाता है, हार्मोनल परिवर्तन और बालों का झड़ना जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। मेनोपॉज में कम एस्ट्रोजन लेवल से स्किन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस समय अगर महिलाएं त्वचा की सही से देखभाल करती हैं तो कई तरह की स्किन समस्याओं से बच सकती हैं। अक्सर इस समय महिलाओं की स्किन रूखी होने के साथ त्वचा का ग्लो भी कम हो जाता है। मेनोपॉज के समय त्वचा का ख्याल कैसे रखें, ये सवाल अधिकतर महिलाओं के मन में आता है। इस समय महिलाओं के स्किन को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। सभी देखभाल में महिलाओं की स्किन संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है। मेनोपॉज के दौरान त्वचा से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला टिप्स है स्किन केयर रूटीन। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर महिलाएं स्किन पर कम ध्यान देती हैं, इस कारण त्वचा काफ़ी डल नजर आती है। इस समस्या को कम करने के लिए हाइड्रेटिंग क्लींजर से त्वचा को साफ करें और स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग जरूर करें। ऐसा करने से स्किन की नमी बनी रहती है। मेनोपॉज के समय अक्सर महिलाओं की स्किन काफी सेंसिटिव हो जाती है। इस कारण बाहर निकलने पर अपनी स्किन टाइप के अनुसार सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि घर में भी सनस्क्रीन लगाकर रखें। ऐसा करने से यूवी किरणों से त्वचा का बचाव होता है। साथ ही बाहर निकलने पर फुल स्लीव्स कपड़े पहने, ऐसा करने से टैनिंग से बचाव होगा। हेल्दी डाइट लें। स्किन पर मेनोपॉज लक्षणों को कम करने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन भी अवश्य करें। डाइट में हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर संतुलित आहार को शामिल करें। ऐसा खाने से बचें जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो। ये फूड्स स्किन पर पिंपल्स और त्वचा की ग्लो को कम करते हैं। हमेशा हाइड्रेंट रहें। मेनोपॉज के बाद त्वचा की देखभाल करने के लिए हाइड्रेंट रहना भी जरूरी होता है। सही मात्रा में पानी पीने से त्वचा में लोच के साथ त्वचा मुलायम भी रहती है। हाइड्रेशन त्वचा में ग्लो को भी बढ़ाता है और शरीर को हेल्दी भी रखता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।